सेक्स का नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफी सारे लोग हमारे पास में आके पूछते रहते हैं कि सेक्स का नॉर्मल टाइम कितना होना चाहिए। अलग अलग स्टडीज नॉर्मल टाइम के बारे में अलग अलग अनुमान निकालती है। कुछ स्टडीज के अनुसार उन्होंने एक रेंज निकाली और वो रेंज में उनको ये पता चला कि एवरेज लोगों का मतलब 2 मिनट से लेकर 10 मिनट तक का एक नॉर्मल सेक्स का टाइम होता है। मतलब कुछ लोगों का 2 मिनट में धातु गिर जाता है, कुछ लोग 10 मिनट तक सेक्स कर सकते हैं और 10 मिनट के बाद में धातु गिर जाता है। तो उन्होंने ये निकाला कि 5.4 मिनट, ये उन्होंने एवरेज निकाला उस स्टडी के अनुसार कि 5.4 मिनट यह एवरेज नॉर्मल सेक्स टाइम है। पहला ऐसा था कि पहले एक परिभाषा ऐसी थी कि दोनों पति पत्नी का समाधान हो रहा है तो फिर समय का नहीं था, क्योंकि समय कितना भी लगो दोनों का समाधान हो रहा है तो वो नॉर्मल सेक्स टाइम है। फिर उन्होंने परिभाषा बदली, फिर उन्होंने यह बताया कि नहीं, 2 मिनट के नीचे या 2 मिनट से कम यदि धातु गिर जाता है तो फिर वो सेक्स टाइम जो है वो कम हो गया। मगर अभी डायग्नोस्टिक एंड स्टेटिस्टिकल मैनुअल DSM-5 के क्राइटेरिया जो है जो अमेरिका से पब्लिश होता है तो उसमें उन्होंने कुछ परिभाषा दी हुई है, कुछ क्राइटेरिया दिए हुए और उसमें 3 क्राइटेरिया है। नंबर 1, बार बार या हर बार होना चाहिए। नंबर 1, बार बार या हर बार। नंबर 2, 1 मिनट के पहले ये धातु गिर जाता है तो। और नंबर 3, व्यक्ति की इच्छा होने से पहले। बार बार, 1 मिनट के पहले और व्यक्ति की इच्छा होने के पहले यदि धातु गिर जाता है तो उसको बोलते हैं कि इसका सेक्स टाइम जो है वो कम है। अभी ये सेक्स टाइम यदि 1 मिनट से यदि कम होता है तो फिर दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं होती, पत्नी पति दोनों का समाधान नहीं होता, काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, सेक्स लाइफ में प्रॉब्लम है, लाइफ में प्रॉब्लम है और उसके लिए काफी सारे ट्रीटमेंट हमने बताई हुई है, मेडिसिन है, सेक्स काउंसिलिंग है, साइकोथेरेपी है, वो मेरे अलग वीडियोस में मैंने बताई हुई है, आप रेफर कर सकते। हमारे जो वीडियोस है वो लोगों को जानकारी देने के लिए है। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो ताकि लोगों के मन की गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।